गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज फिर आप लोग के लिए एक नया टॉपिक्स लेके आए हैं और वह टॉपिक्स है आप लोग का रेजिस्टेंस। और ये आप लोग के जो भी एग्जाम हो, चाहे 10th 12th, चाहे आपका यानी कि पॉलिटेक्निक सेमेस्टर का एग्जाम हो, चाहे आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसमें क्या होता है कि आपका रेजिस्टेंस है, आपको सीरीज पैरेलल रेजिस्टेंस है, आपको क्या होता है कि क्वेश्चन आता है। तो चलिए आप लोग का आज का जो टॉपिक्स है रेजिस्टेंस, वह इसके बारे में बताते हैं कि आखिर ये रेजिस्टेंस होता क्या है। ये देखिए रेजिस्टेंस हेडिंग देंगे आप लोग, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है देखिए, यहाँ एक डिफरेंट और देख लीजिए, पहले रेजिस्टेंस पहले रेसिस्टर। बहुत स्टूडेंट्स को ये डिफरेंट मालूम नहीं होता है कि रेसिस्टर किसको बोलेंगे और रेजिस्टेंस किसको बोलेंगे। रेसिस्टर देखिए, आपका ये रेजिस्टर जो होता है आपका एक डिवाइस है। क्या है आपका एक ये डिवाइस है जो क्या करता है, आपको करंट का अपोजिशन करने के लिए हम उस डिवाइस का यूज करते हैं। लेकिन ये रेजिस्टेंस क्या है, ये क्या है कि किसी भी मटेरियल्स का एक प्रॉपर्टी जो होता है, किसी भी सब्सटेंस का एक प्रॉपर्टी होता है जो क्या करता है, करंट का अपोज करता है। तो यहाँ आप पूछ सकते हैं कि रेजिस्टर भी तो वही कर रहा है, यानी कि करंट का अपोज करने काम करता है। तो ये एक आपका डिवाइस है, इस डिवाइस को हम यूज जब यानी कि क्या करेंगे, किसी भी अदर डिवाइस में हम यूज करेंगे इसका, तो वह यानी कि करंट का अपोज करने का काम करेगा। और लेकिन ये आपका रेजिस्टेंस जो है, आपका ये वायर जो है, तो वायर में भी आपका एक रेजिस्टेंस होता है जो क्या करता है, आपको करंट को फॉलो कर जो हो रहा है उसको अपोजिशन करने का काम करता है। तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, रेजिस्टेंस यानी किसी भी मटेरियल्स का क्या होता है कि प्रॉपर्टी होता है जो आपको करंट का अपोजिशन करने का काम करता है। तो देखिए R बराबर एक फॉर्मूला होता है, R बराबर रो इंटू एल बाई ए। आप बोल सकते हैं कि यहाँ क्या चीज है, रो क्या है, L क्या है, A क्या है। तो यहाँ देखिए ये आपका कोई कंडक्टर है, ये मानते हैं कि कोई आपका कंडक्टर है या वायर है, कुछ भी है जिससे आपका करंट फ्लो हो रहा है। तो यहाँ जो आपका रो जो है, ये रो ये आपका रेसिस्टिविटी बताता है, रेसिस्टिविटी, या हम आपको बताएंगे रेसिस्टिविटी क्या होता है। ये आपका एल जो है लेंथ है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर का क्या है ये लेंथ है। और फिर ए क्या है, ए जो है आपका क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, एरिया ऑफ कंडक्टर क्या है। देखिए ये आपका ये एरिया जो होगा, यही एरिया है आपका क्रॉस सेक्शन एरिया। तो ये आपका एरिया जो होगा यहां से यहां तक ए, और ये आपका लेंथ जो है यहां से यहां तक ये एल है। और ये रेसिस्टिविटी क्या होता है, रेसिस्टिविटी समझ लीजिए कि कोई आपका क्यूब मीटर, मतलब आपका देखिए इस तरह का मानते हैं कि कोई प्लेट जो होगा, तो क्या है कि इसका ऊपरी फेस और ये आपका जो निचली सतह जो है, ऊपरी सतह और निचली सतह में यानी कि 1 cm³ में कितना रेजिस्टेंस क्या करता है कि ऑफर्ड करता है, यानी 1 cm³ में, 1 cm³ एरिया में कितना क्या करता है आपका करंट को अपोज करने का काम करता है, वो आपका रेसिस्टिविटी कहलाता है। तो हम यहाँ रेसिस्टिविटी का यूनिट निकालेंगे, आप लोग को आगे बताएंगे इसका यानी कि कैसे निकालते हैं यूनिट। अब रेजिस्टेंस पहले यहाँ रेजिस्टेंस देख लेते हैं, फिर रेसिस्टिविटी देखेंगे। यहाँ देखिए अब होता है कि आपका रेजिस्टेंस जो है कब ज़्यादा होगा, कब कम होगा। तो यानी कहने का मतलब होता है कि रेजिस्टेंस जो होता है आपका किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, तो आप लोग बताएंगे। देखिए यहाँ इस फॉर्मूला को देखते हुए कि हम देख रहे हैं कि R जो है, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। तो मतलब ये जो होता है और आपका ये रेसिस्टिविटी है मटेरियल का, तो क्या है कि आपका रेजिस्टेंस जो होता है कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है कि लेंथ पर। यदि हम लेंथ बढ़ाते जाएंगे, यदि लेंथ बढ़ा देते हैं तो मेरा रेजिस्टेंस क्या होगा। यहाँ देखिए रेजिस्टेंस लेंथ यदि बढ़ाएंगे तो मेरा रेजिस्टेंस क्या होगा कि रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। और देखिए जैसे ये था आपका, देखिए एक वायर ये है,
और दूसरा वायर आपको ये है। अब क्या होगा कि दोनों सेम ही वायर था, इस वायर को क्या किए, ये था आपका यहां से यहां तक का लेंथ एल और ये आपका कर दिए एल डैश। तो अब देखिए यहाँ क्या होगा कि पहले था आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए और यहाँ का क्रॉस सेक्शनल एरिया ए डैश हो जाएगा। तो क्या देख रहे हैं कि यहाँ लेंथ बढ़ रहा है लेकिन क्रॉस सेक्शनल एरिया भी घट जा रहा है। तो रेजिस्टेंस तो दोनों में इसमें तो सेम ही हो जाएगा, लेकिन हम यदि दूसरा अदर कोई लेते हैं मेटेरियल या आपका कंडक्टर, तो क्या होगा यदि हम लेंथ बढ़ा रहेगा, कोई पूछ देगा कि लेंथ यदि हम बढ़ा ले लेते हैं और उसका यानी कि यदि लेंथ या बड़ा लेंथ ले लेंगे तो बताओ कि यानी कि उसका क्या होगा, यानी कि रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या होगा कि हम यहाँ देख रहे हैं कि लेंथ यदि बढ़ रहा है तो मेरा रेजिस्टेंस भी बढ़ जा रहा है। फिर बोलेगा कि हम यदि उसी वायर को क्या करेंगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया यदि हम घटा दें तो क्रॉस सेक्शनल एरिया घटा देंगे तो क्या देख रहे हैं कि आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। तो मेरा यदि ये यदि घट जाएगा, यदि एरिया यदि घट जा रहा है तो क्या हो रहा है कि रेजिस्टेंस भी आपका क्या हो रहा है कि घट जा रहा है, सॉरी रेजिस्टेंस क्या होगा कि बढ़ जाएगा। यदि क्रॉस सेक्शनल एरिया यदि घटाएंगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया घटाते हैं तो रेजिस्टेंस क्या होता है कि बढ़ जाता है। यदि इसी वायर को क्या करेंगे, पिघला करके छोटा कर देंगे तो क्या देखते हैं कि मेरा लेंथ छोटा हो जा रहा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा कि बड़ा हो जाएगा। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया यदि बड़ा हो जाएगा, लेंथ देखते हैं कि मेरा लेंथ छोटा हो गया है, ये मेरा छोटा हो जाएगा और ये बड़ा हो जाएगा, तो क्या देखेंगे कि फिर उस केस में आपका रेजिस्टेंस जो होगा कि रेजिस्टेंस का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड किया आपको, रेजिस्टेंस जो है आपका लेंथ पर, क्रॉस सेक्शनल एरिया पर, और आपका किस तरह का मटेरियल्स है, यानी कि आपका जो कंडक्टर है कॉपर का है या एल्यूमिनियम का है या आपका सिल्वर का है। तो हम जानते हैं कि सिल्वर एजी जो होता है चांदी, उसका क्या होता है कि रेजिस्टेंस काफ़ी कम होता है, वही आपका कॉपर चाहे एल्यूमिनियम, फिर इससे कम क्या होता है कि कॉपर का होता है, उससे कम आपका जो होता है एल्यूमिनियम का, मतलब सबसे ज़्यादा जो होता है करेंट इसमें फ्लो होगा एजी में, सबसे ज़्यादा मतलब सिल्वर में सबसे ज़्यादा करेंट फ्लो होता है, क्यों, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस कम होता है। फिर क्या होता है कि इससे थोड़ा ज़्यादा रेजिस्टेंस इसमें होता है कॉपर में, तो इससे क्या होगा कि सिल्वर से थोड़ा हल्का कम क्या होगा करंट फ्लो होगा इसमें। फिर क्या होता है कि कॉपर से ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है एल्युमिनियम का, फिर तब क्या करते हैं कि एल्युमिनियम का जो रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा तो मेरा करंट क्या होगा, कम पास होगा। तो हम लोग देखते हैं कि जो आपका जो ट्रांसमिशन लाइन जो होता है आपका, ये एल्युमिनियम का ही बनाते हैं, इसमें भी रहता है ACSR, ये आगे बताएंगे ACSR क्या होता है, ये आप लोग को पढ़ना नहीं है। तो इस तरह का कंडक्टर बनाते हैं। आप पूछ सकते हैं कि एल्युमिनियम का बनाते हैं हम सिल्वर और कॉपर का काहे ना बनाएंगे। देखिए यदि हम सिल्वर का बनाएंगे और ट्रांसमिशन लाइन में यदि हम सिल्वर का वायर का यूज करेंगे तो क्या होगा कि आपका लोग जो होंगे चोर आपका इस वायर को कट कर लेगा, मतलब क्या होगा कि आपका करंट कहां से फ्लो होगा, वायर ही नहीं रहेगा, तो इसलिए क्या होता है ये कॉस्टली हो जाएगा, जिसके कारण क्या होता है कि एजी का हम ट्रांसमिशन लाइन नहीं बनाते हैं। फिर कह सकते हैं कॉपर का ना बनाते हैं, तो फिर यदि हम कॉपर का यानी कि ट्रांसमिशन लाइन में यूज करेंगे तो क्या होगा, ट्रांसमिशन लाइन जानते हैं कि यानी कि बहुत बहुत दूरी पर क्या होता है, जनरेटिंग स्टेशन मेरा यहाँ है तो 30-40-50-60 किलोमीटर की दूरी पर तक जाता है मेरा ये ट्रांसमिशन लाइन, तो ये क्या होगा कि फिर मेरा ये वायर कॉस्टली पड़ जाएगा। इसके चलते क्या करते हैं कि वहाँ ACSR कंडक्टर का यूज करते हैं, जो क्या होता है कि इन सब के तुलना में ये आपको कॉस्टली कम होता है, इसलिए हम क्या करते हैं कि एल्युमिनियम का ट्रांसमिशन लाइन यूज करते हैं। तो ये था आपका रेजिस्टेंस और किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। और एक फैक्टर और है आपका कि टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है, कि जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, यदि कोई ये कंडक्टर है तो कंडक्टर का यदि हम क्या करेंगे कि हीट करेंगे, यदि हम कंडक्टर को हीट कर रहे हैं यानी टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ेगा तो हीट बढ़ेगा, तो हीट जैसे ही बढ़ता है तो क्या होता है कि इसकी जो कंडक्टिविटी जो होता है, आप लोग बताए थे कंडक्टिविटी क्या होता है कि मतलब इसमें जो इलेक्ट्रॉन जो फ्लो हो रहा था वो क्या होगा कि माने कि 100,000 जो है आपका 100,000 आपका इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहा है,
जैसे क्या करेंगे इसमें, जैसे हीट बढ़ जाएगा इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाती है। लेकिन सेमीकंडक्टर यदि रहता तो सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर वहाँ क्या होता है कि कंडक्टिविटी बढ़ जाता है। तो ये आपका रेजिस्टेंस चार मुख्य रूप से चार फैक्टर पे डिपेंड किया, लिख सकते हैं, पहला लिख देते हैं लेंथ पर डिपेंड करता है, दूसरा जो होता है आपका एरिया पर डिपेंड करता है, तीसरा जो होता है मटेरियल्स पर डिपेंड करता है, चौथा जो होता है आपका टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो ये था आपका रेजिस्टेंस और किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। अब आप लोग को बताएंगे अब इसका नेक्स्ट वीडियो में अब इसका सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। थैंक यू।